नमस्कार दोस्तों, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता दुबे आज बनाने जा रही हूँ प्याज और टमाटर के भरवा पराठे, और इसे आप कभी भी बना के खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। आप इसे सुबह के नाश्ते में, रात के डिनर में या फिर कहीं सफर में भी ले जा सकते हैं। तो चलिए फिर बना लेते हैं ये भरवा पराठे। बहुत ही डिलीशियस पराठे बन के तैयार होते हैं। और मेरे पराठे की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। यहाँ पे मैंने ले लिया है गेहूं का आटा, और ये वही गेहूं का आटा है जिससे हम रोट, चपाती या पूड़ी पराठे बनाते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक हम कम ही डालेंगे क्योंकि हम जो स्टफिंग भरेंगे पराठे में उसमें भी नमक होता है। और अब मैं डाल दूंगी 2 चम्मच ऑयल। आप ऑयल की जगह पे घी भी डाल सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पराठा बनाने के लिए डो लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंथेंगे। एक ही बार ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से डो बनाएंगे। और हथेली के पिछले हिस्से से इसे अच्छे से गूंथ लेंगे ताकि हमारा डो सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल हार्ड ना हो। देखिए यहाँ पे मैंने डो लगा लिया है, और ये डो मैंने बिल्कुल सॉफ्ट लगाया है, आप देख पा रहे होंगे। अब हम इसे 20 मिनट के लिए एक साइड में रखते हैं और अपनी जो पराठे में स्टफिंग भरनी है उसे तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने एक फ्राइंग पैन गैस पे रख दिया है और गैस की फ्लेम को ऑन कर लिया है। और एक बड़े चम्मच से 1 चम्मच तेल डाला है मैंने इसमें। उसके बाद मैं डाल दूंगी लहसुन। लहसुन 10-12 लहसुन मैंने बारीक कट करके रख लिया था, तो यहाँ लहसुन डाल दिया। और यहाँ पे देखिए जैसे हमारा लहसुन डालते हैं हम, उसके बाद हम डाल देते हैं ये प्याज। ये बारीक कटी हुई 2 बड़ी प्याज है, और इसमें डाल के मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम डाल देते हैं 4-5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। ये देखिए इसे भी हम मिक्स कर देते हैं इसमें। थोड़ा सा प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को हम भून लेंगे। आप देख रहे होंगे थोड़ा कलर चेंज होने लगा है। तो अब हम डाल देते हैं कुछ बेसिक मसाले। तो यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी डाल दी, थोड़ा सा धनिया डाल दिया है। उसके बाद मैंने 1/2 चम्मच से भी कम लाल मिर्च का पाउडर डाला है, थोड़ा सा गर्म मसाला डाला है। इन सारी चीज़ों को डाल के एक बार भून लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस डालते ही एक बार मिक्स करेंगे। उसके बाद हम डाल देंगे टमाटर, और टमाटर को हम अच्छे से भून लेंगे। तो टमाटर हमारा जल्दी पक जाए इसलिए हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, और इसे मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और इसे ढक के 1 से 2 मिनट तक ऐसे छोड़ देंगे। और 1-2 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए टमाटर बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। इसे थोड़ा सा हम मैश कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम डाल देंगे 2 चम्मच बेसन, क्योंकि हमें पराठों में ये स्टफिंग भरनी है, और स्टफिंग जब तक गीली रहेगी तो हम पराठों में नहीं भर पाएंगे। और बेसन डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है पराठे का, और स्टफिंग भी थोड़ी सी सूख जाती है। तो इसलिए देखिए हमने बेसन डाल दिया है, और बेसन डालने के बाद 1 मिनट तक हम इसे चलाते हुए पका लेंगे। उसके बाद हम डाल देंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और उसे मिक्स कर लेते हैं। और अब हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। तो गैस की फ्लेम को हम यहाँ पे बंद कर लेंगे और इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे, और स्टफिंग को हम ठंडा होने देंगे। यहाँ पे देखिए हमारा डो बिल्कुल तैयार है, जिसे मैंने 15 से 20 मिनट तक एक साइड में रखा था। और ये जो स्टफिंग हमने दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर ली थी, ये भी ठंडी हो गई है। और जब भी हम पराठा स्टफिंग वाला बनाएं, तो आप जो स्टफिंग होती है वो ठंडी होनी चाहिए। ठंडी मतलब रूम टेम्परेचर पे हो। तो देखिए यहाँ पे अब हम पराठे को बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सूखा आटा ले लिया है डस्टिंग के लिए, और इन सारी चीज़ों के एक साइड में करते हैं। और इसमें थोड़ा सा छोटा सा लोई लेते हैं और इस तरह से उसे गोल सा बना लेते हैं, और यहाँ पे इसे प्रेस कर देंगे। ये देखिए ऐसे प्रेस कर देंगे। ये देखिए ऐसे थोड़ा सा दबा लेंगे, और इस तरह से दोनों अंगूठों से बीच में जगह बनाएंगे स्टफिंग भरने के लिए, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। और अब हम इसमें स्टफिंग भर देंगे। बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं भरेंगे, जितनी स्टफिंग इसमें आएगी उतनी ही भरेंगे, और इस तरह हाथों से दबा लेंगे। और सारी साइडों से इस तरह बंद करते हुए हमें
जैसे हम मोमोज बनाते हैं उस तरह से कर लेंगे। उसके बाद हम प्रेस कर देंगे और यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करेंगे, फैला लेंगे स्टफिंग को अच्छे से अंदर, ये देखिए ऐसे फैला के, और इसे हल्के हाथों से हम बेल देंगे। यहाँ पे आप जितना बड़ा पराठा चाहते हो उतना बड़ा बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से बेल देंगे हम पराठे को, और अब हमारा एक पराठा तैयार है। आपको मैंने दिखा दिया है ये पराठा थोड़ा सा मोटा है, क्योंकि स्टफिंग वाले पराठे थोड़े से मोटे ही होते हैं। और अब मैंने यहाँ पे पराठे बना लिए थे तो गैस की फ्लेम को ऑन कर लिया है, उस पर रख दिया है तवा। तवा के गर्म होते ही मैंने डाल दिया है एक पराठा, और जैसे थोड़ा सा एक साइड से सिक जाता है तो मैं दूसरे साइड पलट देती हूँ और इसे लगा देते हैं ऑयल। और एक साइड ऑयल लगाने के बाद हम पलट देते हैं दूसरे साइड में, और दूसरे साइड भी ऑयल लगा देंगे, और इसी तरह से पलट पलट के हम सेक लेंगे। थोड़ा सा इस तरह से हम प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से चारों तरफ बराबर से हो जाए पराठे। ये देखिए इस तरह से कर लेंगे, और यहाँ पे हमारा पराठा तैयार है। तो मैं इसे उतार लेती हूँ एक प्लेट में, और सेम प्रोसेस से हम बाकी के सारे पराठे सेकेंगे। तो एक बार ये पराठा भी दिखा देती हूँ बना के। इसी तरह से मैंने सारे पराठे सेक के तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे प्याज और टमाटर के भरवां स्वादिष्ट पराठे तैयार हैं, और आपको मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।